वेलकम बैक टू अवर ब्रांड न्यू वीडियो गाइस। तो जो लोग नए मेरे को देख रहे होंगे वो लोग सोच रहे होंगे बंदा बाथरूम में क्या कर रहा है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी मैंने उसमें बोला था कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आने वाली है वो आएगी मेरे हेयर कट के ऊपर। तो इंस्टाग्राम पे डीएम बहुत लोग करते रहते हैं कि उनको मेरे बाल पसंद है और मेरे से टिप्स लेते रहते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैं अपने बालों में कुछ भी नहीं करता हूँ, इट्स ऑल नेचुरल गाइस। इसी के साथ अगर कोई नया लोग अभी भी मेरे को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एंड गाइस वन मोर थिंग, यहाँ पे नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा तो मेक श्योर जाके वहाँ पे मेरा चैनल मेरा पेज जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारे कूल वीडियोज फोटोज एंड स्टोरीज तो मैं रेगुलर डालते रहता हूँ एंड वहाँ पे मैं काफी लोगों से सजेशन भी सब कुछ वहीं पे करता हूँ मेन चीज। सो मैं सबसे ज्यादा एक्टिव इंस्टाग्राम पे रहता हूँ तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, मेक श्योर यू चेकआउट माई पेज। एंड यहाँ पे मेरा आ रहा होगा फेसबुक का, तो दोनों जगह पे मेरे को फॉलो कर लेना बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो अपने हेयर कट करता हूं वो मैं करता हूं स्टेप कटिंग में, ठीक है। तो स्टेप कटिंग के वजह से अब ये थोड़े ऑड इवन से हो गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां से मेरे बाल कुछ ज्यादा बड़े लग रहे हैं, यहां से ज्यादा बड़े लग रहे हैं एज कम्पेयर टू यहां से, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको अच्छे से ट्रिम करेंगे एंड थोड़ा मैं यहां से भी थोड़े स्टेप कटिंग में करूंगा क्योंकि ये थोड़े से मेरे को थोड़े अनइवन से लग रहे हैं यहां से भी काफी ज्यादा। ये देखो सबसे पहले यहां से जैसे ये देखते हैं, पहले मैं थोड़ा सा ब्रश से देख लूं। हाँ तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये मेरे ज्यादा ही अभी भी निकल रहे हैं, तो पहले यहां से इसको ट्रिम करते हैं। तो यहां से भी थोड़ा करते हैं, ये भी ज्यादा निकल रहे हैं यहां से। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो ये यहाँ से ठीक हो गए है ना, ठीक है। अब मैं यहाँ से बिल्कुल शॉर्ट नहीं करूँगा, अदरवाइज ये थोड़े ऐसे ऐसे लगेंगे तो वो मेरे को थोड़े पसंद नहीं है, मैं थोड़े ऐसे मैसी से रखता हूँ। अब हम ट्रिम करते हैं ये सारा पार्ट, ठीक है, बैक वाले जितना भी है। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि स्टेप कटिंग के लिए मेरे को यहाँ से स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा एंड सेम इस साइड से भी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से काफी अच्छे से ट्रिम हो गए एंड अभी जरा इस साइड से भी जरा मैं एक बार देख लूँ। तो मैं इस साइड से भी करके देखूँ तो जैसा कि आप देख सकते हो ठीक है, ये भी ठीक है क्योंकि इस साइड भी आप देख सकते हो ये पूरा फ्लैप ऐसे जा रहा है, ठीक है। ऑलराइट तो ये तो ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़े ये आगे से जो मेरे बाल हैं ये थोड़े से इनको मैं छोटे करता हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा ऐसे आंखों पे आना पसंद नहीं है। क्योंकि मैं बहुत बार क्या करता हूँ, मेरे बाल अगर मैं कोम नहीं करता हूँ ना तो ये ऐसे आगे आ जाते हैं। सो अगर आगे आ जाएंगे तो ये मेरे को बहुत गंदा सा लगता है कि आंखों पे आ रहा है। अगर वो कोम नहीं भी करता है वो सामने भी रहते तो भी थोड़ा बहुत ठीक लगता है, जैसे कि आप मेरी ये वाली पिक्चर में देख सकते हो है ना, जैसे ये बहुत बड़े लग रहे हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे आगे से अच्छे ज़्यादा ट्रिम हो चुके हैं, ठीक है। अब ये सामने नहीं आएंगे तो आइज पे नहीं आएंगे एंड अब मैं अगर इसको ऊपर करूं तो ये देखो इजिली अच्छे से बिल्कुल सेट हो गए है ना, चाहे मैं इधर से करूं या मैं उधर से करूं एक ही बात है ना, ठीक है। तो मेरा हेयर कट तो हो चुका है, अब आते हैं बियर्ड के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक्चुअली बियर्ड रखता नहीं हूँ, बट अब जैसा कि धीरे धीरे मैं थोड़ा सा अडेप्ट कर रहा हूँ इसको क्योंकि मेरे को आदत नहीं है एंड मेरी पूरी फुल बियर्ड आती भी नहीं है। ये भी आई गेस मेरे को 1.5 मंथ हो चुका है हुआ है इसको, तो इसको थोड़ा सा ट्रिम करते हैं क्योंकि ये भी थोड़ा अनइवन सी हो रही है। तो कहते हैं मैं आपको एक फनी चीज़ बता दूँ कि मेरे पास ट्रिमर तो है, ठीक है, बट इसका जो ऊपर का नॉब होता है वो एक्चुअली मेरे पास है नहीं। एक्चुअली मैंने फेंक दिया था क्योंकि जब मैंने ये लिया था तो मैं बियर्ड तो रखता ही नहीं था, तो मैंने कहा मेरे किस काम का है तो मैंने फेंक दिया। एनीवेज मेरे पास एक और तरीका है, देसी जुगाड़, मेरे पास ये है कोम। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे ना एंड देन इसको फिर ट्रिम करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे भी सही हो गया है, यहाँ पे भी सही हो गया है, ऑलमोस्ट सही है सब कुछ, ठीक है। ये थोड़ी सी ज्यादा डार्क लग रही है बट इससे ज्यादा यहाँ पे ना ये क्योंकि जॉ लाइन है तो ये प्रॉपरली बैठ नहीं रहा है इसके ऊपर। एनीवेज अब जो हमारा मुस्टैच है इसको करते हैं, जिसको हम हिंदी में मूंछ बोलते हैं, ठीक है।
गाइस अब ये देखो, अभी ये मेरा फाइनल लुक नहीं है क्योंकि अभी मैं जाने वाला हूँ शावर पे एंड देन उसके बाद आपको फाइनल दिखाता हूँ। तो मैं आपको मिलता हूँ शावर के बाद। सो अब ये देखो, ठीक है, तो मैंने शैम्पू वैम्पू सब अच्छे से कर लिया है, इनफैक्ट मैं नहा धो के आ चुका हूँ। सो अगर मैं बैक पूरा करूँ, पूरा पीछे करके बाद, तो अब आप जैसे देख सकते हो यहाँ से जो हमारे वो सब निकल रहे थे वो नहीं निकल रहे। तो अब मैं अब यूज़ करता हूँ अपना हेयर ड्रायर। तो मैंने सिर्फ ड्रायर यूज किया और कुछ भी यूज नहीं किया, बच गया, अभी गिर जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, मैं ज्यादा कुछ प्रोडक्ट ऐसे कुछ यूज करता नहीं। सो गाइस दैट्स इट, ये देख लो फाइनल लुक मेरा। और नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बता देना कि मेरे हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है एंड कुछ डिफरेंट लग रहा है, या फिर जैसा भी है जो भी आपके थॉट हैं सब नीचे मेरे को नीचे कमेंट करके लिख देना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। एंड अब नेक्स्ट वीडियो गाइस मेरी मॉरिशस की मार्केट की कुछ वीडियोस में डालने वाला हूँ। सो इसी के साथ गाइस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन भी दबा देना, सो दैट कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। सो इसी के साथ गाइस स्टे सेक्सी, यू विल बी गो बेबी।